कोई हाईटेक तकनीक अपनाई जाएगी या नर्सरी को लेकर कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारा जो विभाग है इसके द्वारा हमारे मंडल में विभिन्न जिलों में हाईटेक नर्सरी, जो कि सब्जियों की पौध या फसलों की जो पौध है हमारी, जो नियंत्रित वातावरण में और रोग रहित और कीट रहित जो पौध का उत्पादन इसमें किया जा रहा है, ये हमारे दो जिलों में बनके तैयार हो चुकी हैं, एक गाजियाबाद में और एक बुलंदशहर में। बुलंदशहर में दो नर्सरी बनी है हाईटेक की और एक नर्सरी गाजियाबाद में बनी है। इसी प्रकार दो नर्सरी हमारी मेरठ जनपद में बन रही है, एक नर्सरी हापुड़ में कृषि विज्ञान केंद्र पर बन रही है और एक नर्सरी बागपत में कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित हो रही है। किसानों को किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा इसमें? किसान को जो उसका महंगा बीज आता है, हाइब्रिड बीज आता है, उसकी अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो गिनती से बीज मिलता है, गिनती से खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो एक एक बीज की इसमें कीमत होती है। एक एक बीज से हमारा पौधा बनना चाहिए, तभी उसका हम पूरा उपयोग कर पाएंगे। और दूसरी बात, पौधा हमारा रोग रहित और स्वस्थ होना चाहिए। तो ये पूरी जो आवश्यकता है ये हाईटेक नर्सरी पूरा करती है। इसमें 100% बीजों का अंकुरण होता है और इसमें हमारा, चूंकि इसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मिट्टी में जो रोग और बीमारियां रहती वो हमारे पौधे में नहीं आ पाती हैं, और पौधे की जड़ों का विकास भी अच्छा इसमें होता है। ज्यादा जड़ों का विकास होता है तो पौधा हमारे जो मेन खेत में अच्छी तरह से स्थापित होता है जाके। इस प्रकार उच्च गुणवत्ता का अधिक उत्पादन किसान भाई इसमें और अगेते मौसम में प्राप्त कर सकते हैं। सर, कितना चार्ज लिया जाएगा जो पीएम मोदी कहते हैं कि किसान की आय डबल हो, क्या इस तरीके से आय डबल होने में मदद मिल पाएगी? बिल्कुल, जो किसान हमारे अभी तक जो दूसरे प्रदेशों से और से पौध प्राप्त करते हैं उच्च गुणवत्ता की, वो यहाँ उनको लोकल में, मतलब स्थानीय रूप से उनके जिले में प्राप्त होगी और उनसे बहुत ही नॉमिनल, जो लगभग ₹1 प्रति सीडलिंग का जो संचालन का खर्च है, उसके खर्च पे उनको पौधे, सब्जियों के उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें किसान भाई अपना स्वयं का बीज, जिस प्रजाति का वो लगाना चाहते हैं, जिस कंपनी का वो लगाना चाहते हैं, वो बीज ला सकते हैं, बीज अपना वहां उगवा सकते हैं, वो मौका मुआयना बीच में जाकर उसको भी कर सकते हैं कि उनके पौधे किस प्रकार उसकी ग्रोथ हो रही है, किस प्रकार वो उग रहे हैं, ये भी किसान भाई स्वयं देख सकते हैं। उत्पादन ज्यादा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, तो बाजार मूल्य किसान को अच्छा मिलेगा इसका और उसकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी इसमें।